नमस्ते बच्चों, आइए हम पिछले रिकॉर्डिंग में हमने सिर्फ स्वर पढ़े थे जो कि अ से आ तक के हैं। आज हम वर्णमाला में व्यंजन को पढ़ते हैं। सुनिए और मेरे साथ दोहराइए। क से य तक के अक्षरों को व्यंजन कहा जाता है। इसमें 36 अक्षर हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहले मेरी आवाज को सुनिए आप, फिर बाद में दोहराइएगा। क ख ग घ ए च छ ज झ ञ ट ठ ड ध न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। जो लोग हिंदी बात करते हैं उनके लिए भी है, जो लोग हिंदी नहीं बात करते हैं उनके लिए भी। हम फिर से मेरी आवाज को सुनिए, कैसे निकाला जाता है इन अक्षरों को मैं फिर से दोहरा रही हूं। क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। ये पूरे व्यंजन है। अब आइए मैं इसे चित्रों के साथ तुम्हें अ से ज्ञ तक और क से अ से आहा तक और क से ज्ञ तक हम पढ़ते हैं। इस पाठ्यपुस्तक में एक पाठ्यपुस्तक मैं आपके लिए लाई हूं ताकि हमें अच्छी तरह से याद रहे। इन चित्रों को देखकर अक्षर हमें पहचानने में आसानी होगी। तो यह है अ से अनार, जो पिछले क्लास में भी हमने बताया था, अ से अनार आ से आम। तो आज उसको हम इन चित्रों के साथ पढ़ते हैं। अनार अ से अनार, आ से आ, ई से इमली, ई से ईख, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। ऊ से उल्लू, ऊ से
ऊन, रु से ऋषि, ए से एड़ी, उ से उल्लू, उ से ऊन, रु से ऋषि, ए से एड़ी। आई से आईनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर। आहा, फिर से हम पढ़ते हैं। आई से आईनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर। आहा, अभी व्यंजनों को पढ़ते हैं हम। क से कबूतर, ख से खरल, ख से खरल, ग से गधा, घ से घर। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। ञ, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, यानी कि घ घड़ी भी कहते हैं, ड अक्षर आखिर में आता है इसे, इसलिए हम घड़ी ड वो है, ड से डमरू घड़ी, ढ से ढक्कन, जैसे कि ओढ़नी कहते हैं, बीच में आता है वो अक्षर ढ वाला। तो और न से बाण, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल। ब से बस, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सरौता, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। आज हमने इस किताब द्वारा अ से ज्ञ तक, यानी कि पूरा वर्णमाला हमने पढ़ा है। हम हमारी अगली क्लास में इसे फिर से दोहराएंगे।